सिवनी में दिखा कलाकारों का जलवा। इंडियन आइडल और इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे कलाकारों की रही उपस्थिति। कबड्डी संघ ने वारासिवनी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की। 30 मई को सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले गए। सेमीफाइनल में अपनी अपनी प्रतिद्वंदी टीमों को हराकर फाइनल में पहुंची। इंदौर और ग्वालियर के बीच रोमांचक मैच देखने को मिला। इसमें इंदौर ग्वालियर को 44 से फंबल इसमें इंदौर ग्वालियर को 44-15 अंकों के साथ पराजित कर राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी विजेता बनने का खिताब हासिल किया। मैच खत्म होने के दौरान कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। इंडियन आइडल विनर सलमान अली, इंडिया गॉट्स टैलेंट फर्स्ट रनर इशिता विश्वकर्मा, अतुल पंडित जैसे सिंगर शामिल रहे। बता दें कि वहीं फिल्मी जगत के मशहूर कलाकार कॉमेडियन राजपाल यादव भी शामिल रहे। कलाकारों की परफॉर्मेंस के दौरान जनता के बीच खुशी का माहौल था और सभी ने संगीत का आनंद लिया। मीडिया द्वारा जब कलाकारों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वारासिवनी में हमें परफॉर्मेंस करने का जो मौका मिला उसके लिए हम तहे दिल से राजेश पाठक एवं संजय सिंह कछवाहा जी और क्रिस्टल इवेंट को धन्यवाद देते हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश कबड्डी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष राजेश पाठक, उपाध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा, महासचिव अजय मिश्रा, कोषाध्यक्ष अनिल गुन्नानी, सचिव रमेश दीक्षित, सचिव राजू शिवहरे, रामकिशोर रांगडाले, हेमराज वरकड़े और ईगल स्पोर्टिंग क्लब के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। वंदे भारत से शाम दुलारी की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले तो मैं राजेश जी का और संजय जी का बहुत बहुत से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है। क्रिस्टल इवेंट का भी दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इनकी वजह से मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर इतनी प्यारी जगह है, इतनी पवित्र जगह है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर। और बाकी तो अब स्टेज पर जाऊँगा तब पता चलेगा कि लोगों से प्यार कितना लेना है। सलमान सर, आपके स्ट्रगल की कहानी बहुत सुने, स्ट्रगल होकर आप इंडियन आइडल के विजेता रहे और आज विदेश में भी आपके चर्चे, क्या कहना चाहेंगे उस लाइफ की जिंदगी के बारे में? ये सबका प्यार है, सबकी मोहब्बत है, सब लोग इतना प्यार करते हैं, सब लोग इतनी मोहब्बत देते हैं मुझे कि मेरा एक गाना आता है और उसको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, उसको इतना पॉपुलर कर देते हैं। क्योंकि ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अगर सलमान हूँ तो मुझे सलमान अली बनाने वाले आप लोग ही हैं, सब लोग जनता हैं, आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, ऑडियंस के बिना, फैंस के बिना कुछ भी नहीं है। तो हमारी छोटी से छोटी चीज़ों को वो लोग बहुत बड़ा करते हैं, तो बस सबका प्यार सबका आशीर्वाद है। सलमान भाई, ये बताइए कि गायकी के क्षेत्र में आपका कैसा आगमन हुआ है, क्या आपका पैतृक मतलब होता गायकी या बताइए? जी, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी फैमिली में गाना बजाना होता है, हमारा खानदानी काम है गाना बजाना। मेरे पापा गाते हैं, दादाजी गाते थे, परदादाजी गाते थे, तो पीढ़ियाँ आ रही है इस म्यूजिक में ही। तो बस ऐसे ही बचपन से शौक था, तो पापा के साथ जागरण करता था मैं, साईं संध्या, माता रानी की जागरण, भोले जी की जागरण प्रोग्राम करते थे। तो ऐसे ही जागरण में करते करते रियलिटी शो में चले गए, तो बस जिंदगी चल रही है। आपको पूरा शो देखा मैंने, इंडियन आइडल 11 या 10 है ना, मैंने पूरा देखा। सूफी गायकी में और आपकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा, तो क्या मानेंगे रियाज के कारण हुआ है या पैतृक वो मिला है आपको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये हमें हमारे बाप दादाओं से मिली है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो रियाज करने से भी नहीं आती, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो ऊपर वाला आपको फिट करके देता है, आप रियाज करो या ना करो लेकिन ऊपर वाला आपको पहले से देते हैं, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मेरा सीन वो था, मुझे ये विरासत में मिली है क्योंकि खानदानी काम है ना गाना बजाना, ऊपर से ही मैं ये सब कुछ लेकर आया हूँ। इंडियन आइडल के जो होस्ट हुआ करते थे मेरे ख्याल से मनीष पॉल आपकी दांतों को लेकर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हास्य करते थे, उस समय कैसा लगता था आपको, गुस्सा आता था या नहीं? मुझे पहले तो थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि यार मेरे ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन बाद में फिर मुझे अच्छा ही लगा क्योंकि वो सब लोग प्यार